Here's the cabin. अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर ऑफिस, थोड़े से काम निपटा के यहाँ से निकलना है शूट पे। मैसेजेस की बारिश हो गई है। वहां पे तनवीर और सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं, डिजाइनर, फोटोग्राफर, मॉडल्स, एवरीवन। तो मुझे फौरन निकलना होगा। आप गाड़ी नहीं चला रहे आज? मुझे व्लॉग बनाना है यार। क्यों नहीं चला रहे? इसलिए कि मैं पूरा एक एक घंटा गाड़ी चलाता हूँ रोज, तो तुम नहीं चलाते। Assalamualaikum guys, welcome to another episode of Arshanistan. मेरा नाम अरशान अली है और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे। मेरा शूट है, मेरे साथ मौजूद है सकलैन, लेकिन बाहर बहुत शदीद गर्मी है। और वैसे अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े मेरे बहुत 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 अच्छे जा रहे थे, लेकिन आज का कुछ नहीं पता क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है और शूट सारा आउटडोर है। वैसे आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं अभी तक? कितने जितने भी रोज़े हैं, आई थिंक 7 रोज़े हो गए आज। यस, 7 रोज़े हो गए हैं। यस, तो आपके रमज़ान कैसे जा रहे हैं, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? जाने से याद आया, मुझे फ़ौरन जाना पड़ेगा यहाँ से, वरना मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। तो जिनका शूट है वो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, काफ़ी पुराना फ्रेंड है, उसका नाम है तनवीर। उसकी ईद कलेक्शन का शूट है और अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ और देखता हूँ कि कपड़े कैसे हैं। मैंने पिक्चर्स में देखे हैं, लेकिन अभी रियल में जाके देखूँगा कि कलर वगैरह कैसे और फिटिंग कैसी है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो तनवीर ने अपना ब्रांड स्टार्ट कर लिया है फ़ौरन से, एकदम से मुझे न्यूज़ मिली कि उसने अपना फैशन ब्रांड स्टार्ट कर लिया, जो कि मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था। लाइक इट्स बिन 3-4 ईयर्स कि मैं प्लान कर रहा था कि मैं अपना फैशन ब्रांड स्टार्ट करूँ, जिसके अंदर काफ़ी फंकी टी शर्ट्स थी या जीन्स थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी उसके अंदर, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स था वो। लेकिन यार मेरे पास इतनी सारी चीज़ें करने को, जैसे मेरा अरशानिस्तान, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा तो उसमें एज ए इन्फ्लुएंसर मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक कॉमिक बुक है जिस पर सकलैन और मैं एक साथ काम कर रहे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा आप टैलेंट एजेंसी है हमारे पास, इतनी सारी चीज़ें, और बाकी जो मेरा ऑफिस का काम है जो मैं रेगुलर कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, वो अलग है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अनकरीब मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह ईद के बाद इसको मैं लॉन्च करने का पूरा प्लान है मेरे पास, एंड देन आई विल स्टार्ट। तो ये आ गई है लोकेशन जहाँ पे हम पहुँच गए। यार सब बहुत नाराज़ हो रहे होंगे, बिल्कुल परफेक्ट पार्किंग की है मैंने। चलें जी, हम पहुँच गए लोकेशन पे। हाँ यार, इतना एम्बेरसिंग होता है ना जब टाइल पे जूतों की ऐसी आवाज़ आती है। तो ये है मेरी फर्स्ट लुक और हम शूट कर रहे हैं बासित के साथ। अब बाहर चलते हैं और शूट स्टार्ट होने वाला है। पहली लुक का शूट है, बाल मेरे ये बने हैं, आई लाइक इट। और मेरे साथ फीमेल मॉडल है और तनवीर है, तनवीर खुद भी मॉडलिंग कर रहा है। सो दिस इज समथिंग न्यू इन द मार्केट और ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। मतलब थोड़ी सी आपको फील आती है कि शायद आप डॉक्टर हैं, बट इन ब्लैक। फर्स्ट लोकेशन ये है जहाँ पे शूट कर रहे हैं। एक तो मैंने गर्मी में काले कपड़े पहने हुए, ऊपर से सारा शूट आउटडोर है, और फिर सोने पर सुहागा कि मेरा आज रोज़ा है, तो काफ़ी नाजुक सूरत हाल है। मेरा सोलो हो चुका है, अभी तनवीर का सोलो होना है और फिर हम दोनों का कंबाइन होना है। एक पीछे एक आगे। शुक्र है थोड़ी हवा चल रही है, लेकिन बहुत तेज गर्मी है इसलिए मुझे बहुत प्यास लग रही है। ये मेरा सेकंड ड्रेस है, बस इसके बाद 2 आउटफिट और है। अब वहाँ शूट कर रहे हैं मैंग्रोव्स के पास, वहाँ पे पानी है और अच्छा व्यू है। ये लोकेशन यार बहुत अच्छी है, अक्सर हम लोग वहाँ पीछे बोट क्लब में आते हैं, लेकिन वहाँ पे पिक्चर लेना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हम बीच लग्जरी पे मौजूद हैं और हम दबा के पिक्चर्स ले रहे हैं। बासित बहुत अच्छी पिक्चर्स ले रहा है और हम सबको ही मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, साथ में पिक्चर्स भी ले रहे हैं। बींग अ मॉडल तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप हमेशा फ्रेश रहें, लेकिन रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ्तार का टाइम तो हो नहीं रहा, बहुत धूप निकल रही है, पूरा शूट हमने धूप में किया है और बस मेरा लास्ट आउटफिट रहता है, उसके बाद पैकअप हो जाएगा। सो गाइस, इट्स अ पैकअप, लास्ट मेरा
आउटफिट कंप्लीट हो गया है और रोजे का टाइम भी हो गया है, सो अभी मैं चेंज कर रहा हूँ और उसके बाद चलते हैं हम इफ्तार पे। चेंज हो गया और अभी हम जा रहे हैं, हम इफ्तार पे पहुँच रहे हैं एक जगह पे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, शुक्र है अल्लाह का, हमारा शूट अच्छा हो गया और अभी हम फौरन से रेस्टोरेंट पहुंचे वरना बहुत देर हो जाएगी। शुक्र है हम पहुंच गए, अब रोजा खुलने ही वाला है। वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छा है, काफी रीजनेबल भी है, सो आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत जबरदस्त है। इफ्तार के बाद अभी बोबा टी पीने के लिए आए हुए, अगर आपने कभी नहीं पी तो जरूर ट्राई की, अगर अच्छी होती है। मुझे तो काफी अच्छी लगती है, आप पी के बताइएगा आपको कैसी लगी, या अगर आपने पहले पी भी हो तो आपको कैसी लगती है। लेट्स गो। तो गाइस ये था आज का शानिस्तान का व्लॉग, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि यार मैं अपने कंटेंट को और किस तरीके से बेहतर करूं। और जितने भी लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें अपने सब्सक्रिप्शन से, अपने कॉमेंट से, अपने लाइक से, अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। सुबह जब मैं जा रहा था आपने मुझसे क्या मांगा था?